सही बताऊं तो प्रेशर तो होता है, अगर आप दो दफा जीते हैं तो बिल्कुल माइंड में ये होता है कि हैट्रिक करनी है, तो प्रेशर तो होगा। राशिद खान के बारे में अगर मैं बोलूं कि नुकसान नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राशिद खान मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। वो दो दफा के चैंपियन है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है तीसरे डिफेंड करने के लिए? देखिए सही बताऊं तो प्रेशर तो होता है, अगर आप दो दफा जीते हैं तो बिल्कुल माइंड में ये होता है कि हैट्रिक करनी है, तो प्रेशर तो होगा और ये पॉजिटिव प्रेशर होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम लोग लास्ट दो PSL में खेले हैं तो इस दफ़ा भी उसी तरह खेलें। लास्ट PSL में आपके पास राशिद खान भी थे लेकिन इस दफ़ा वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बॉलिंग जारी बात है उनकी वजह से बहुत रिलाई करते थे खासकर मिडल ओवर्स में, कोई नुकसान तो नहीं होगा या प्लानिंग है? देखें राशिद खान के बारे में अगर मैं बोलूं कि नुकसान नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राशिद खान मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट अगर आप स्पिनर की बात करें वो तो है ही है, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है वो, तो बिल्कुल उसका नेमल बदल तो नहीं है, तो नुकसान तो ये है कि उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में जो उसकी जगह जो कुछ लड़के आए हैं तो वो ही बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़े हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो राशिद की कमी है वो हमें कम से कम महसूस हो। दो दिन आपने प्रैक्टिस की बकायदा कैंप लगने से पहले? बहुत अच्छी रही, और स्पेशली ये कैंप लगता भी इसलिए कि जो टीम को नए प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं लोकल वो आए, और नए प्लेयर्स भी जो हमारे पास आए हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो अच्छा रहा, प्रैक्टिस की गैदरिंग रही और काफ़ी अर्से बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई है तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। काफ़ी आ रहे हैं अभी रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे बॉलर्स सामने आए हैं जिसमें मोहम्मद जीशान है, उबैश हैं या अली रजा, आपको इन तीनों में से किसने ज़्यादा मुतासर किया? देखिए तीनों अच्छे हैं और सबका डिफरेंट रोल था, नए बॉल से कोई अच्छा कर रहा था, कोई फिर पुराने बॉल से अच्छा कर रहा था, तो सब अच्छे हैं। और देखें आप इस एज में जो है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकते कि एक कौन सबसे बेस्ट था, मेरे ख्याल में तीनों बहुत ज़बरदस्त है और इनको देखना होगा कि ये ख़ुद को अगले 3-4 साल कैसे कैरी करते हैं, तब आप किसी बॉलर के बारे में स्पेशली आप बता सकते हैं, तो लेकिन ये है कि मुझे तीनों अच्छे लगे और इस इनमें पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जो है पाकिस्तान का पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। फखर वर्ल्ड कप से पहले PSL है और आपका गोल क्या होगा इस PSL? देखिए अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि एज अ प्लेयर मैं बेस्ट बैट्समैन बनूं और टीम हमारी जीते, लेकिन ये है कि हम लोग मैच टू मैच चलेंगे और वर्ल्ड कप में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो बिल्कुल उसके लिए भी कोई माइंड में इस तरह की सोच नहीं है। हमारा जो गोल है वो ये PSL जीतना है और मेरा पर्सनल जो है वो यही होगा कि मैं इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बनूं। बकर आप सैम बिलिंग्स के साथ खासा अच्छा था आपका जब आप लास्ट ईयर खेल रहे थे, कभी वो चल रहे थे तो आपने भी कंटिन्यूसली परफॉर्म किया, तो थोड़ा सा कम्बिनेशन आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर में? देखिए T20 में ओपनर ही बैटिंग में गेम का टेम्पो बनाते हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी होती है हमेशा, लेकिन अगर इस दफ़ा आप देखें तो जैसे राशी वंडरडसन आया साउथ अफ्रीका का, फिर अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी है, ताहिर बेग है, मतलब साहिबजादा फरहान है, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल सैम बिलिंग्स बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, वो उसकी कमी तो महसूस होगी लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स हमने इस साल लिए वो भी बहुत अच्छे और हमारा बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन रहा है। रैलरी हमेशा रही है लाहौर कराची की, वो जिंदा रहेगी इस PSL 9 में? नहीं मैं तो डोमेस्टिक भी जब भी खेला हूँ तो लाहौर देखा है कि लाहौर कराची का हमेशा ही टाकरा होता है, तो बिल्कुल और मेरे ख्याल में यही खूबसूरती है और ये रहनी भी चाहिए। और जीतने के बावजूद दो दफ़ा की चैंपियन होने के बावजूद उस सीज़न में कराची से हार गए तो वो भी प्रेशर होगा? ये वाली बात काफ़ी दफ़ा हमारे प्लेयर्स की भी शेयर हुई है तो मैं उनको कहता हूँ चलो यार आप लोग लीग के मैचेस जीत आप लोग जीतो लेकिन फाइनल हम जीते तो ये हमें कबूल है। फखर भाई आप ओपनिंग में आपने कहा था कि मुझे जहाँ भी मौका मिलता है T20 अपनी टीम में, हमने देखा कि आप ओपनिंग से नीचे खेल लेते हो, अगर PSL में आपको ऑफर आती है इस तरह की ओपनिंग के अलावा मिडिल ऑर्डर में खेलने की तो आप खेलना चाहेंगे? देखें एज अ प्रोफेशनल प्लेयर जो है वो आप किसी भी मतलब मैं किसी भी नंबर के लिए तैयार बिल्कुल हूँ, लेकिन ये है कि PSL में जो है मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और अपने नंबर के लिए बिल्कुल
मतलब मैं चाहूँगा कि मैं ओपन ही करूँ पीएसएल में। पाकिस्तान की टीम का जो है वो बहुत डिफरेंट माहौल आ जाता है उसमें, आपके पास जो है ना पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आ जाते हैं, और तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान की टीम जो है वो उसको आप पीएसएल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है कि अगर मतलब चॉइस होती है तो फिर लाजमी बात है आप किसी भी नंबर पर खेलना चाहते हैं, लेकिन पीएसएल में जो है मैं कोशिश करूँगा मैं ओपन से कम ना हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।